ये देखो अनलिस्ट कर दिया हूँ और मैं यहीं पे डंडा लेके बछिया के आगे ही उसकी गार्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो यार, अरे भाई देखा हुआ वीडियो में तो मजा आ गया होगा। सीधे कम बॉय, ये देखो अगर बच्चे जोए के साथ खेल रहे हैं, जो एकदम सीधा बच्चा है ना, तो वो बच्चों के साथ खेलता रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयर पेन ब्लॉग। जो रात में खुला ही था और मुझे आकर देख आया मैं, तो मेरे को देख कर कूद रहा। देखो अब जाएगा बाहर ही फ्रेश होने के लिए, क्योंकि रोलेक्स गाइज इसको अभी चढ़िए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा करंट में है, तो इसको ग्रिप लगवाना जरूरी है। कल भी नहीं लगवाया था मैंने, इसको ग्रिप लगवाया 4-5 दिन हो गए हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं, एक काम है उसको करके आ रहा हूँ, उसके बाद इसकी ग्रिप लगवाएंगे पक्का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फाइनली बंदर आ गए गाइस, बंदर को देख के रोलेक्स एकदम उसमें आ गया। ये देखो लग रहा है कान ही फाड़ देगा, इतना तेज आवाज कर रहा है। बंदर यहाँ पे बैठा है सामने दरवाजे के ऊपर, कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है देखते हैं, रोटी खा रहा है, रोटी। जो अभी है नहीं, बाहर गया है अभी, बस रोलेक्स ही पागल हो रहा है देख के। जो अभी बाहर गया है, अभी थोड़ी देर में आएगा वो भी। और आज इसका जंजीर भी बनवाना है गाइस मुझे, कल तो टाइम ही नहीं मिला, आज कैसे ही बनवा देंगे इसका। नहीं तभी छोटी जंजीर है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, और बड़ी होती तो वहां तक होती ना, तो और अच्छे से जंप करता है। बात तो सही है। तो अब लगवाता हूँ ग्रिप इसका, बहुत दिन से लगाया नहीं है, देखते हैं आज लगा रहा है कि नहीं। देखो एक्साइटेड तो है ग्रिप को लेके। और कोई रस्सी थी नहीं गाइस, तो ये पट्टा था उसी में बांध दिया मैंने, और ये ट्यूब भी ख़राब हो गया है, तो इसका काम भी गिर ही जाएगा जल्दी। एक नया टायर लेके आऊँगा बहुत जल्दी इसके लिए, जो कितने तेज तेज झटके मार रहा है। वाह क्या सीन है, लग रहा हाथ तोड़ देगा मेरा। ये देखो झटके देखो इसके, बंदरों का गुस्सा टायर पे निकाल रहा है। ओए इसको कहीं टांग भी नहीं सकता, नहीं तो यहाँ ऊपर टांग लेता हूँ, आराम से लगाएगा ग्रिप। ये वैसे तो मैं हाथ से ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दर्द हो जाएगा हाथ में। देखो कैसे खींच रहा है मुझे, ये देखो। तो हाथ से पकड़ पकड़े हालत ख़राब हो गई गाइस, देखो हाथ पूरा लाल हो गया मेरा, लास्ट में छोड़ना पड़ा। छोड़ देने पे खुद ही छोड़ देता है, ऐसे पकड़े रहो तो छोड़ता ही नहीं है। ग्रिप लगा लिया था, छोड़ नहीं रहा था, तो सोचा छोड़ ही दूँ। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई है इसकी, अभी देखता हूँ ये अगर ऊपर बांध पाऊँ तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ये छोड़े तब तो बनूंगा, छोड़ ही नहीं रहा है। तो फाइनली ऊपर लटका दिया है, अब आराम से ग्रिप लगाएगा ये, और मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से लगाने देता हूँ जब तक इसका करंट खत्म ना हो जाए, उसके बाद लाके खाना दूंगा इसको। जो है तब तक बाहर से घूम के भी आ जाएगा। हाँ जब तक इसका पूरा करंट नहीं निकलता है तब तक हटाऊंगा नहीं, धीरे धीरे देखो आपना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा ही करंट में रह रहा है आजकल, तो इसीलिए एक्सरसाइज कराना भी जरूरी है, नहीं तो और ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएगा। देखो अभी भी कैसे झटके लगा रहे लटक के, धीरे धीरे थकना शुरू हो गया है अब। 15 मिनट हो गए ग्रिप लगाते हुए भी, और मौसम भी आज ठंडा है गाइस, तो इसीलिए बोला हूँ कि लगाओ जितना मन है पूरा, जब तक थक नहीं जाता तब तक हटाऊंगा नहीं, जब थक जाएगा तो हटा दूंगा खुद ही, उसके बाद आराम से शांत रहता है 5-4 दिन आराम से। तो फाइनली इसका करंट हो गया, निकल गया गाइस, ग्रिप छोड़ दिया, देखो कितना हाफ रहा है, बस हवा निकल गई। थोड़ी देर रिलैक्स होने देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी दूंगा इसको, उसके बाद खाना देंगे इसको, एक अच्छा सा डाइट देंगे आज। तो आज अच्छी खासी ट्रेनिंग करा दी इसको मैंने, धीरे धीरे कराते कराते तो सही है। अब इसका 3-4 दिन तक आराम से कूल डाउन रहेगा, देखो हो गया उसका काम हो गया, देखो कैसे लेट गया अपनी छिपकली की तरह। अब ये रिलैक्स रहेगा 4-5 दिन तक आराम से, कोई करंट नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, तो ठीक है। मेरा भी जो टेंशन रहता है वो थोड़ा कम रहता है जब ये रिलैक्स रहता है, तो जब एग्रेशन में आता है तो ही थोड़ा सोचना पड़ता है। अब धीरे से ग्रिप हटाता हूँ और थोड़ा इसको रिलैक्स होने देता हूँ। आज पूरा बंदरों का जखीरा आ गया गाइस, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहे हैं अभी तो मुझे, 5-6 बंदर है यहाँ पे, ये रहा एक वहाँ पे छुपा है, 6 बंदर है टोटल। अभी मैं खाना लेके आया डॉग्स का, तो खाना देता हूँ। रोलेक्स को मैं अनलिश ही कर देता है, ये पूरा बंदर भगा देता है अकेले ही, लेकिन वो बछिया पे भी जाके अटैक मार देगा, इसलिए मैं इसको अनलिश नहीं कर सकता हूँ। और जो अनलिश कर देता हूँ, क्या पता बंदर आए उस पर अटैक करे, वो बंदा हुआ है तो कुछ कर ना पाए। इधर रोलेक्स तो अंदर है, इसके नीचे बंदर शेड में कम आते हैं, वहाँ जो बाहर है, क्या पता खाना खाए उसका खाना छीनने के लिए आ जाए। वैसे जब तक इन लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक मैं जाऊँगा नहीं, खिला के ही जाऊँगा, नहीं तो बंदर कभी कभी आके इन लोग का खाना भी छीन लेते हैं। अच्छा देखो बंदर कितना नीचे आ जा रहा है, जॉय को अनलिश कर देता हूँ, रोलेक्स को नहीं कर सकते, जॉय को कम से कम कर देता हूँ, ये देख लेगा बंदरों को। ये लो जॉय को अनलिश कर दिया मैंने, देखो अभी एक्टिव हो गया है सारे बंदर, जॉय वहाँ से जो बच्चे पे अटैक नहीं करता इसीलिए उसको अनलिश किया हूँ। इधर से रोलेक्स एग्रेशन कर रहा है, अपना खाना भी नहीं खा रहा है, एक मन कर रहा है रोलेक्स को अनलिश कर दूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि। देखो एक बंदर यहाँ पे आके बैठा है, अबे साले। लेकिन एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक डंडी लेके खड़ा रहता हूँ, इधर नहीं आने दूंगा उसको,
और अनलिस्ट कर ही देता हूँ। ये देखो अनलिस्ट कर दिया हूँ और मैं यहीं पे डंडा लेके बछिया के आगे ही उसकी गार्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो ये यार, अरे भाई देखा होगा वीडियो में तो मजा आ गया होगा, सीधे यहाँ से यहाँ तक चढ़ गया था। ये देखो यहाँ पे थे, यहाँ पे बैठा था, सीधे यहाँ से एकदम वहां तक चढ़ गया था रोलेक्स। पहली बार देखा मैंने इसको इतना चढ़ते हुए। अब सारे बंदर भगेंगे इसको देख के, आ गया असली एकदम जोश में, जल्दी भगेंगे सारे के सारे। मजा आ गया एकदम, सीधे यहाँ से कम 6-7 फुट तो होगा ही, चढ़ गया था एकदम सीधे। ये देखो फिर एक बार चढ़ा था, अभी सारे बंदर भाग रहे हैं देखो यहाँ पे। मैं शेड के नीचे ही आ जाता हूँ, सुसु भी कर रहे हैं साले यहीं पे। ये देखो रोलेक्स कितना ऊपर चढ़ गया। ये देखो जंगले तक चढ़ जा रहे हैं। वहाँ पे एक बंदर है ना, उसको देख के अब मजा आ रहा है एकदम देख के। इसको बहुत ऊपर ऊपर तक चढ़ रहा है, आज पहली बार देख रहा हूँ इतना ऊपर ऊपर तक चढ़ते हुए इसको। ये देखो तगड़ी छलांग मार रहा है एकदम। ये देखो दोनों को, देखो ये दो बंदरियाँ यहाँ पे आ गई हैं, एक ही बंदरिया यहाँ पे बैठी हुई है। रोलेक्स उसी को देख रहा है, वहाँ तक जा तो नहीं सकता है लेकिन उसकी ताक में जरूर है। यही बंदरिया यहाँ पे सीधे यहाँ पे चढ़ा हुआ था उसने। देखो दो बंदरिया वहाँ पे है। ये देखो कितना ऊपर तक चढ़ गया। ये देखो खतरनाक छलांगे मार रहा है। बंदर लोग भी इसको चिढ़ा रहे हैं लग रहा है मुझे, दोनों बंदरिया चिढ़ा रही हैं इसको। अरे मुझे डर लग रहा है कि इन दोनों में फाइट कहीं ना हो जाए, क्योंकि अभी इसने एक बार जॉय पे भी अटैक मारा था, देखा होगा वीडियो में अपने। ये देखो वाह, तो यहाँ तक आ गया। ये देखो फिर चढ़ गया बार बार चढ़ गया। तो क्या करता हूँ, इन लोग से भाग नहीं रहे हैं, रोलेक्स को मैं बांध ही देता हूँ और लेके आता हूँ एक गुलेल और मार के सारे बंदरों को भगाता हूँ, क्योंकि इन लोग ऐसे भागने वाले हैं नहीं। ऐसे तो दोनों डॉग मेरे परेशान हो रहे हैं फालतू में। अरे यार ये देखो गजब छलांगे लगा रहा है, अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया एकदम, मजा आ गया देख के। वाह क्या सीन है, मजा आ जा रहा है देख के। ये देखो वाह रोलेक्स गुड बॉय। ये देखो दोनों एकदम फुल जोश में है गाइस, दोनों एकदम फुल जोश में है। रोलेक्स को तो पूछो मत कितना मजा आ रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, मैं यहाँ से हट नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बछिया की गार्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के बछिया को छोड़ नहीं सकता हूँ, जहाँ छोड़ा कि फिर बंदर छोड़ो बछिया पे अटैक मार देगा। देखो कहाँ तक चढ़ जा रहा है रोलेक्स। फुल एक्सरसाइज होगी आज रोलेक्स की, फुल एक्सरसाइज होगी। बच्चिया इधर आराम से खा रही है, मैं इसके गार्डिंग में यहाँ पे बैठा हूँ डंडी लेके, किधर रोलेक्स ना आए, आएगा भी नहीं मेरे को देखेगा तो। जहाँ मैं यहाँ से हटा तो बंदर के छोड़े इसी पे आगे ग्रिप लगा लेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। समझ रहे हो आप। ये देखो दोनों उसी के पास आ गए हैं, जॉय और रोलेक्स दोनों उसी को देख रहे हैं। अब दोनों थक भी गए हैं क्योंकि आजकल रोलेक्स को मैंने दौड़ाना भी कम कर दिया है ना, तो वो स्टेमिना नहीं रहा इसमें अब लग रहा है, जल्दी थक जा रहा है। नहीं तो ऐसे तो ये 1-2 घंटे तक लड़ सकता है। धीरे धीरे इसका जो करंट है पूरा निकल गया, अभी तो खाना भी नहीं खाया इसने, खाना अपना उधर गिरा दिया था। बांध देता हूँ, बंदरों को लग रहा है मुझे ही भगाना पड़ेगा। अभी शाम हो गया गाइस और दिन में तो देखा ही बंदरों ने कितना परेशान किया था दोनों को, तो ये भी हाफ रहे लग रहा है, सुबह से ही दोनों हाफ ही रहे हैं। रोलेक्स कभी से कुकू कर रहे हैं, जो को तो अभी अनलिस किया था, अभी जस्ट बांधा है मैंने थोड़ी देर पहले, तो रोलेक्स तो सुबह से ही बंधा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आता हूं। उसके बाद जो को भी खोल दूंगा, ये भी बाहर से फ्रेश वगैरह होकर आ जाएगा थोड़ी देर में। यार रोलेक्स आज भी इसकी जंजीर नहीं बनवा पाया मैं, तो आज सोच रहा हूं बनवा ही दूं, आज नहीं तो कल तो पक्का बनवाना ही पड़ेगा। ये फाइनली अभी अनलिस हुआ है, देखो अभी बंदरों की तलाश में है, पेड़ पे ही देख रहा है। अभी ऐसे बंदर तो सारे चले गए हैं, लो एक आ ही गया, ये लो नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे कहना क्या चाहते हो, इसको देखो लेके चलता हूँ बाहर घुमा के लाता हूँ और जो को खोल देता हूँ, रूम में रखा हूँ, वो बंदर उसको डील कर लेगा। दरवाजा बजा रहा है जो, इसको बाहर निकालता हूँ। जो भी आ गया बाहर, अभी डील कर लेगा बंदरों से। लो ये तो खुद ही बाहर चला गया, क्या ये डील करेगा, यहीं पे आके बंदर बैठे हुए हैं। रोलेक्स भाग रहा है, मैं चाहता हूँ जो अंदर रहता है इसको बाहर घुमा के लाऊं, नहीं तो स्ट्रीट डॉग आते हैं फिर दोनों को साथ में ले जाना सही नहीं है। तो आज स्ट्रीट डॉग जगे थे गाइस, आज आता देख के हम दोनों पे हमला कर दिया हम लोगों ने। ये देखो एक और बंदर यहाँ पे खड़ा है, उसको देख के परेशान हो रहा है रोलेक्स, हर जगह आज बंदर दिख रहे हैं। देखो रोलेक्स को यहाँ भी दीवार पे चढ़ रहा है, यहीं पे है बंदर ये।
यहीं पे है, देखो यहीं पे बैठा है, ये रहा रोलेक्स, छोड़ दिया उसको, अनलिस कर, बार बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो यहीं पे बैठा हुआ है, लाल वाला बंदर, ये सुबह में ब्लैक वाले से सामना हुआ था, अभी रेड वाले से हुआ है, जो अपना उधर लगा हुआ है शायद पोटी ओटी करने की फिराक में है वो। इसको तो बंदर दिख गया तो ये छोड़ नहीं रहा, यहीं पे बैठा हुआ है। देखो देखो बंदर अब थोड़ा थोड़ा डर रहा है रोलेक्स से। देखो ये देखो वहाँ जा रहे बंदर गाइस, उसके पीछे पीछे रोलेक्स भी चले गए। जल्दी बुलाता हूँ उधर, स्ट्रीट डॉग है, पंगा हो सकता है। कम रोलेक्स, कम बॉय। ये देखो 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 ये बॉय। चलो फाइनली बंदर भग गया, अब शांति से पोटी वगैरह कर लेगा, इसको पकड़ लेता हूँ। ये गया बंदर, ऊपर चला गया यार, अब इसकी लिस्ट पकड़ता हूँ, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए फिर लेके चलूंगा, अभी भी पूरे जोश में ही है ये। आज तो पूरा दिन बंदरों के साथ ही चला गया, बंदरों के साथ ही ब्लॉग बनाने में पूरा दिन खत्म हो गया गाइस। बात तो सही है, बार बार पे भी बंदर बंदर, यहाँ आज लेके आया बाहर घुमाने, तो यहाँ पे रेड वाले बंदर, देखो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उधर बंदर लड़ रहे हैं ना तो सुन के और ज्यादा एग्रेशन में आ रहे हैं वो। इधर बच्चे जो के साथ खेल रहे हैं, जो एकदम सीधा बच्चा है ना तो वो बच्चों के साथ खेलता रहता है, इसको तो अलग ही पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है पोटी वगैरह करेगा नहीं, ये बंदर चाहिए इसको। ये देखो छोड़ते ही वहीं जाने की फिराक में है, तो इसको लेके चलता हूँ भाई। गाइस यहाँ पे रुकने कोई फायदा नहीं है, ये रिलैक्स तो होने वाला नहीं है जब तक बंदर इसको दिखते रहेंगे, आज मुझे लग रहा है पोटी करेगा। चलो कम से कम फ्रेश तो हो गया, नहीं तो द्वार गंदा नहीं करता है, टाइम से हो जाता है, टाइम से लेके आता हूँ ना, इसका एक ड्यूटी है भाई, लेके आने पड़ेगा, इसलिए लेके आ जाता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम तो कर ही लिया है, थोड़ा सा रिलैक्स और हो जाएगा, उसके बाद लेके चला जाऊंगा इसको। ये देखो बच्चे जो है के साथ कैसे खेल रहे हैं, जो है बच्चों के साथ फ्रेंडली है, लेकिन इस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता। वैसे ये भी कभी आज तक ह्यूमन एग्रेसिव नहीं हुआ, इसमें ये खास बात है गाइस, ये जब भी एग्रेशन करता है जानवरों पे बस करता है, ह्यूमंस पे नहीं करता है। ए अब रहने दो, मछुओ मछुओ, कम जॉय। जॉय बुल्लू के साथ जा रहा है, खेल रहा है, कम जॉय। जॉय को इधर बुलाता हूँ, बच्चे डर रहे हैं थोड़ा सा, इससे सारे लोग डरते हैं रोलेक्स से, सबने बता रखा है ना मोहल्ले में कि ये डेंजर है, इससे दूर रहना, इसलिए बच्चे भी डरते हैं। आज के लिए इतना बहुत है गाइस, अब लेके चलता हूँ इन लोगों को आराम, 15-20 मिनट से ऑफ कैमरा भी लोग खेल ही रहे हैं, अब टाइम हो गया, मेरे को थोड़ा काम भी है, जाने हैं बाहर। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, देखो पीछे जो जो के साथ, रोलेक्स बोल रहे हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, मैं इतना बुरा हूँ क्या? तो कैसे लगा आज का बंदरों वाला ब्लॉग, आशा आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना वीडियो को गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मन कर तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग के साथ।